मुझे नहीं पता था सेट इतना गंदा होता है मिट्टी सारे जनरेटर मैंने कहा ये क्या है हमारा कोड वर्ड होता था पापा को पूछता था शाम को कहाँ तो वो ऐसे करते थे मैं तो इलेक्ट्रीशियन था मेरे सर थे दशरथ सिंह गुलाब सिंह परदेसी सर जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई है हाँ। आज मैं जो भी आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे सर की बदौलत है

मैंने ये भी पढ़ा था डेट यू एक्चुअली वांटेड टू मेक दिस इनटू अ हॉरर यू नो पूरा जोन तो वो व्हाई डिड यू काइंड ऑफ़ नॉट डू दैट देन येह बिकॉज़ देन व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग मी एंड अर राइटर्स अर कोक्रीएटर इशानी एंड निशांत निशांत ही अ बॉर्डर हिमसेल्फ लाइ तो फिर रिसर्च करते हैं, करते हैं और ये ये कुछ एक एक कहानी मैंने पढ़ी थी कहानी मतलब एक वाक़ एक किस्सा पढ़ा था एक इंसिडेंट पढ़ा था जो मुझे बहुत ही दहला दिया अंदर से एंड आई फेल्ट लाइक कि आई हैड टू लाइक डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज द इंसिडेंट वॉज वॉज वेरी लाइक इट शुक नहीं Yeah. So, so yeah, as simple as that. Nimrat, social media par, you know, ट्रेलर के नीचे I I I have a habit of going through the comments. Achha. अच्छा. बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि You you? You know Nimrud is is back. back? Where were you? You were here only. No. Yeah. Why are people <laughs> I <bringing it back? laughs> I think it's like uh, uh, what happens is that कभी -कभी because I work abroad also, release दो साल कोविड था यू नो सो थोड़ा सा गैप ऐसा अनयूजल सा हो गया सो mm. uh, so दसवीं के बाद दिस विल बी द नेक्स्ट थिंग टू रिलीज अच्छा है की back इज बैक है ना अच्छी बाय राइट है मेरा एक कॉमन सवाल है आप यू नो तीनों से जैसे बचपन में मुझे याद है ऐसा होता था कोई भी बच्चा घर में जो बहुत ज्यादा शैतानी करता था बदमाश होता था उसे धमकी ये दी जाती थी कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ज्यादा बदमाशी करोगे तो ये धमकियां मिली है बचपन में मुझे तो नहीं मिली मेरे पापा एक्चुअली हमेशा चाहते थे कि मैं बोर्डिंग जाऊं बट तब तक थोड़े लाइफ के यू नो ट्रैक्स चेंज हो गए तो मैं जा नहीं पाई बट द बोर्डिंग स्कूल प्रोडक्ट ना हमेशा जो, बोर्ण, बोर्ण जो एक बोर्डिंग बोर्डिंग के जो बच्चे होते थे देवेज वेरी मिस्टीरियस मेरी कजिन थी वो कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मेरी में पढ़ती थी मेरी hmm. एंड वो जब भी छुट्टियों में हमारे पास आती थी ना शीज टू हैव सच ग्रेट स्टोरीज सो आईज टू लिसन लाइक दैट यू नो कि पता नहीं इन लोगों के क्या लाइफ में चलता है जो हमारी लाइफ में नहीं चलता है सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड इन फैक्ट

बोर्डिंग के बारे में स्कूल के बारे में लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने तो कभी बोला नहीं कि कभी डाटा भी नहीं कि मैं ठीक ठाक बच्चा था <laughs> लेकिन मैंने दूसरों दूसरे मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को बोलते हुए काफी सुना है कि भेज देंगे अगर ऐसा हुआ तो धमकिया बड़ी मिली आपको मिली मुझे तो नॉर्मल स्कूल में भेजने का पैसा नहीं था बोर्डिंग स्कूल में कहाँ से भेजते मैंने तो कोई बोर्डिंग स्कूल में कोई हाँ एक बंबई का लड़का था जो छुट्टियों में आया करता था और वो बड़ा शैतान था वो बोर्डिंग स्कूल में रहता था और आज मैं इस सब सब ये सब सब्जेक्ट निकला है तो मुझे मैं याद पड़ता है मुझे कि वो जब छुट्टियों में आता था तो उसके साथ उसके माँ बाप नहीं आते थे तो मुझे भी ये स्ट्रेंज लग रहा है कि एक तो बोर्डिंग में रहने वाला बच्चा वो छुट्टियों में अपने ननिहाल आता था और माँ बाप नहीं होते थे उसके उसके साथ तो बड़ा ही मुझे अजीब लग रहा है लेकिन बड़ा शैतान था मतलब बाप दमा चौकड़ी <laughs> मतलब बड़ा शैतान था लेकिन वो आता था, था मजा आता था इसके साथ खेलने में yeah. बोर्डिंग स्कूल का मेरा इतना ही ना रियलाइज की इसमें सिर्फ सिर्फ बच्चे उनकी शैतानी को नहीं दिखाया गया चाई साइकोलॉजी इज समथिंग दैट हैज बीन रियली यू यू नो फोकस्ड ऑन व्हेन वर वर्किंग विद किड्स एट एनी पॉइंट यू नो आई हियर सो मेनी पीपल से दिस नाउ ओ गॉड आजकल के बच्चे जब हम आजकल के बच्चे देखते हैं तो एक सडन ऐसा यू नो हिट होता है कि यार हम तो ऐसे नहीं थे hmm. बचपन में यू you नो know, यार ये चीज तो हमें नहीं पता थी डिड यू हैव एनी यू नो ऑफ दैट मोमेंट वाइल्ड वर्किंग विद विदीज किड्स की oh i didn't know this back then a lot of my work was with one of the actors varun uh, mm. who's playing the character in uh, playing a character called vikram mm. to, uh, he's a young uh, uh, person I, I think he must be what 16 16, 16. correct but you know wo Itna sorted ittha or Itna self assured tha, that really struck me you know

तो so, मैं तो चुपचाप देख रही थी मैं कहूँगी एज अ डायरेक्टर आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी टू वर्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस बिट बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट मतलब मुझे तो मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ बिकॉज इट्स वेरी रेयरली यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ यू नो दिस एज ग्रुप दस से पंद्रह सोलह क्योंकि काफी अपना बचपन छोड़े हुए बहुत सारे दिन हो गए तो you know, <laughs> और अभी वो मौका नहीं मिलता है तो यही मतलब ये इसकी वजह से वो मौका मिला कितना भी अगर कोशिश करोगे आप नहीं जा सकते वहाँ नो क्यूकी वो एनर्जी नहीं है वो एनर्जी अलग है एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली कन्फ्यूज ऑल्सो इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ बट ऑबियसली उनकी कन्फ्यूजन अलग हैं हमारे कन्फ्यूजन उस वक्त कुछ अलग हो सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया और चीज़ें और इतना ज़्यादा एक्सेस है उनके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो उस उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से डील कर रहे हैं वो और अपने मतलब या uh, yeah, तो इट्स 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 वेरी इंटरेस्टिंग टू

मुझे तो वो मैंने तो अपने बाप तक को नहीं देखा तो मैं तो इसके साथ धीरे धीरे मैं भी तो पिता बनने की कोशिश में हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं बचपन में मैंने कहा था कि इसको तोतली जबान में कोई बात नहीं करेगा मेरी बच्ची के साथ किसी ने बात नहीं करनी किसी ने उसके गाल नहीं खींच रहे किसी ने उसको ऊपर नहीं उड़ाना है बस उसको उस बिहेव कि जैसे वो बड़ा आदमी है बड़ी लड़की है और मैं उसको उसी तरीके से मैं उसका अब अपब्रिंगिंग कर रहा हूँ तुम मुझे बड़ा सारा कुछ सिखाती है वो मैं निरक्षर हूँ मुझे लगता है कि मेरी बच्ची के आगे अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो मैं अनपढ़ हूँ गंवार हूँ मैं तो वो वो बन के आई है मेरी आ, क्या चाहिए उसे पापा की परी ये दीन बन के आई हो हाय हाय क्या बात है हाउ ब्यूटिफुल सेड सो ब्यूटिफुल Uh, Nindus yeah. I'm going to come to you. We are a retro cool radio station and I cannot talk about the beginning of, <laughs> I cannot not talk about the beginning of your career. It was of course the music video and you know wo door tha jab music videos yeah. were a rage. Yeah. Yeah. Every actor wanted to be a part yeah. of those music videos kyunki was cool tha. Yeah, yeah. How did that happen for you? Uh, Tera mera, pyar, by Marsa. Yeah. Absolutely yeah. right. And I actually really

Apurva Asrani yeah. was that time a director and he had directed those music videos. So he was looking for a new face with his producer and uh, uh, <clears throat> through a common friend, uh, they said that, okay, you know, there's this girl, you know, she's auditioning everywhere. So it was a screen test that became, you know, a music video and thing. And that was actually the first time I faced camera. For the first time ever. I didn't know that set is like I didn't know that set सारे <laughs> जनरेटर मैंने कहा ये क्या है? क्या हो रहा है पे? नो मुझे तो सिर्फ उतना दिखता था ना जितना टीवी में दिखता है सेकंड yeah. में लोग कपड़े बदल के आ जाते हैं कुछ नहीं पता कैसे यू नो लाइक मेरा तो इमेज तो ही कुछ और था ये क्या चल रहा था <laughs> 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 तो वहाँ इन यू नो दो चार दिन पहले मैं वहाँ शूट करी थी मुझे याद आ रहा था

बचपन में मेरी माँ मुझे लेके जाया करती थी फिल्मों फिल्मों की बड़ी चर्चा होती थी घर में गानों गानों से बहुत लगाव था अगर मेरे मामा को मेरी माँ को मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है तो और बचपन में ना रेडियो पे बहुत अच्छी चीज थी कि बताया जाता था आजकल बताया नहीं जाता कि गाना लिखा किसने संगीत किसने दिया है पहले तो रिक्वेस्ट करने वालों के दस दस पंद्रह पंद्रह नाम होते थे क्या बात तो वो सुन सुन के बारे में एक हिंदी भाषा की 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 तरफ 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 उर्दू कविताओं एक एक रुझान रहा और फिर मैं तो इलेक्ट्रीशन था मेरे सर थे दशरथ सिंह गुलाब सिंह परदेसी सर जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई है आज मैं जो भी आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे सर की बदौलत है क्योंकि वो आए उन्होंने कहा बेटा ये तेरा काम नहीं तेरा काम कला क्षेत्र में जाना है और फिर वहां से बैकस्टेज करते हुए नाटक ये करते करते बस जो होता गया मैं उसके साथ गया तो आज आपके सामने। जितना मजा मजा इसमें आया उतना ही School of Lies में भी आए। ट्रेलर um, देख के लग रहा है कि यू नो इट गोट पीपल एट सीट्स सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट थैंक यू प्लीज वॉच इट थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू